रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। प्रदेश सरकार के दो साल पूरे होने के जश्न पर राजनीति गरमा गई है। बीजेपी नेता मान रहे हैं कि दो साल का कार्यकाल बेहतरीन रहा है, तो वहीं कांग्रेसी नेता इसे बेकार बताने के साथ जुबानी जंग तेज हो गई है। एपीएमसी चेयरमैन अजय शर्मा ने दो सालों में विकास के नए आयाम स्थापित होने की बात कही, तो कांग्रेस के सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने सरकारी खजाने को लूटने का आरोप लगाया और कहा कि कौन सा कारगिल जैसा युद्ध जीत लिया हो तब जश्न मनाने जा रहे हैं। प्रदेश सरकार के दो साल पूरे होने के जश्न पर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी नेता मान रहे हैं कि दो साल के कार्यकाल बेहतरीन रहा है, तो वहीं कांग्रेस नेता इसे बेकार बताने के साथ जुबानी जंग तेज हो गई है। एपीएमसी चेयरमैन अजय शर्मा ने दो सालों में विकास के नए आयाम स्थापित होने की बात कही है, तो कांग्रेस के सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने सरकारी खजाने को लूटने का आरोप लगाया है और कहा कि कौन सा कारगिल जैसा युद्ध जीत लिया हो तब जश्न मनाने जा रहे हो। एपीएमसी चेयरमैन अजय शर्मा ने कहा कि दो साल के जश्न पर कांग्रेस फिजूल में बयानबाजी करने में लगी हुई है। उन्होंने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने तक में विफल रही है। दो सालों में विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रही है और अपने ही नेताओं में उलझे हुए हैं। उन्होंने कहा कि दो सालों में कांग्रेस का कुनबा बिखर कर रह गया है, क्योंकि प्रदेश कार्यकारिणी तक नहीं बन पाई है। प्रदेश सरकार आने वाली 27 तारीख को मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में अपना दो वर्ष का सफलतापूर्वक कार्यकाल पूर्ण करने जा रही है। मंत्री और प्रदेश भर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस रैली में भाग लेंगे। जिला हमीरपुर से भी लगभग 1000 कार्यकर्ता पांचों मंडलों से इस रैली में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी जहां महत्वपूर्ण इस प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में है, वो विपक्ष की भूमिका निभाने में इन दो वर्षों में पूर्णतया नाकाम रही है। कांग्रेस केवल अपने मात्र पार्टी के अंदर बिखराव में इन दो वर्षों में उलझी रही, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपेक्षा की थी कि रचनात्मक विपक्ष की भूमिका कांग्रेस निभाएगी, लेकिन कांग्रेस के नेता अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई, अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ते रहे। इन दो वर्षों में इनके आपसी लड़ाई, आपसी फूट जो है वो बिल्कुल सड़कों पर उतर करके आई। आज भी प्रदेश की कांग्रेस की कार्यकारिणी तक इस प्रदेश में अभी तक बन नहीं पाई, और प्रदेश सरकार के लिए कांग्रेस के नेता प्रदेश सरकार के जो विकास के ये नए नए आयाम प्रदेश सरकार आए दिन स्थापित कर रही है, इसके विरोध में जहां कभी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आधारहीन विरोध कांग्रेस के नेताओं के द्वारा विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री और अन्य कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई आधार नहीं है। ये सरकार सफलतापूर्वक अपना कार्यकाल पूरा करेगी और पूरे प्रदेश की जनता इस जश्न में शामिल होने शिमला पहुंचेगी, ऐसी हमारी अपेक्षा। कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि बीजेपी सरकार में अफसरशाही हावी है और दो सालों में हवा में ही काम हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि खुद बीजेपी सरकारी खजाने का दुरुपयोग करने में लगी हुई है और कौन सा कारगिल जैसा युद्ध बीजेपी सरकार ने जीत लिया है जिस पर अब जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। राणा ने कहा कि 60,000 करोड़ रूपए प्रदेश पर कर्जा हो गया है, लेकिन 229 फॉर्चून गाड़ियां खरीदी गई हैं, जिससे सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले बजट की घोषणाएं और दृष्टि पत्र भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। सरकार तो ढटकर दुरुपयोग कर ही रही है। सरकारी जो खजाना है, जो कि ये सरकार कांग्रेस को ये कहते थे कि ये लोन लेके सरकार चल रही है, हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं, जिस सरकार को इन्होंने डबल इंजन का नाम दिया है, डबल इंजन के नाम पर सरकार चल कहां रही है? तो ये जो सरकारी खजाने का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, लोन लेके सरकार चल रही है, उधार लेके 60,000 करोड़ रुपया प्रदेश पर कर्जा हो गया, और इस तरीके से लुटाया जा रहा है। 229 नई गाड़ियां, फॉर्चूनर गाड़ियां इस सरकार ने खरीद ली, मतलब इस तरीके से खजाने का दुरुपयोग किया जा रहा है। और आज आप ये देखिए कि दो दिन पहले ही रास्ते बंद कर दिए, पता नहीं कौन सा इन्होंने हिंदुस्तान में कारगिल जैसा कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया हो जिसका ये जश्न मनाने के लिए जा रहे हैं, बहुत बड़े काम किए हों। मुझे लगता है कि लोगों को गुमराह करने, लोगों के साथ झूठ बोलने, और इससे अलावा भारतीय जनता पार्टी का कोई ये नहीं है। आज इनका जो दृष्टि पत्र है उसके ऊपर इनकी दृष्टि नहीं जा रही है, दृष्टि पत्र वो जी, और जो इन्होंने पहले बजट में घोषणाएं करी थी 2018 में, वो अभी तक जमीन पे नजर नहीं आ रही, और जो दृष्टि पत्र था वो कहीं नजर नहीं आ रहा है।
उस पर कोई अमल नहीं हो रहा है। इसलिए इस सरकार अपने आप में ही उलझी हुई सरकार है और इनकी आपस में ही तालमेल नहीं है और अफसरशाही जो सरकार पर हावी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार सरकार को नहीं चला रही है, सरकार को अफसर चला रहे हैं।